श्री सहज पाठ सेवा जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री सहज पाठ सेवा वालों जो गुरबाणी चरण मुकाबले करवाए जा रहे हैं अज गुरदासपुर इन बच्चों का गुरुद्वारा फलाही साहब तन तन साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की चरण छोह प्राप्त गुरद्वारा है जिते महाराज ने अपने चरण पाए से आनंद कार्ज जो महाराज के होए विआह बटाले होया तो महाराज जी जदों सवेरे सवेरे सैर कर चले तो इतने आण के उन्होंने दातन की और वह दातन का बूटा अज भी मौजूद है दरखत फलाही का तो फलाई की दातन की तो उत्थे अज बच्चे आए ने बहुत सारे स्कूलों के उन्होंने एक स्कूल साढ़े को आया AVM सैकेंडरी स्कूल यह है जी कादियाँ सो उतों के बच्चे विद्यार्थी बहुत सारे सहज पाठ करते हैं जिन्होंने सहज पाठ संपूर्ण किया अज मुकाबले आए हैं आप देखिए इन्हों की जिंदगी की बदलाव आया उन्होंने घर में की बदलाव आया उन्होंने की महसूस किया सहज पाठ करके चलो आप जो अध्यापक साढ़े कोआर्डीनेटर आए हैं सेवा कर रहे हैं असं उन्होंने विचार करते हैं भी वो की महसूस करते हैं बच्चों के जोड़े बच्चे पाठ करते हैं जोड़े नहीं करते भैन जी वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतह। भैन जी की नाम थोड़ा? करमजीत कौर। भैन जी करमजीत कौर जी आप जी AVM स्कूल च पढ़ाते हो? हाँ जी। केड़ी केड़ा विषय थोड़े को? पंजाबी। ते ये बच्चे सहज पाठ काफी सारे करते हैं तुसी की बदलाव देखते हो बच्चों के इन्हों दे विच बदलाव यह है भी बाकी बच्चों के मुकाबले बड़ी हलीमी नाल गल करते हैं। हाँ, बड़ी धीरज नाल इन्हों दे विच सहज है सुरजीत कौर जी डायरी लेके आओ सहज पढ़ती गुरु तेग बहादुर पातशाह की शताब्दी है ते ज्यादा नहीं 10 मिनट ठीक है कढ़ने हैं किहदे वास्ते गुरु वास्ते गुरु ने कहते वास्ते कहने साढ़े वास्ते कहते हैं जी जे परमात्मा के दिते समय में परमात्मा आप थोड़ा जहा भी समा दईए तो परमात्मा साढ़ा फिर की बदल दिता समा सच्ची गल है। हाँ जी बेटे तुम भी सहज पाठ करते हो? हाँ जी। क्लास पढ़ते हो? किनवा सहज पाठ थोड़ा पहला पूरा कर लिया? हाँ जी। की महसूस किया सहज पाठ करके? सहज पाठ करके बहुत वधिया लगता है। शाबाश। तो तुहाडे विचों कोई ऐसा बच्चा जिन्हें दो तो वध सहज पाठ संपूर्ण किए हो कि विद्यार्थी दूसरा चल रहा तुम आ जाओ बेटा तो इतने आओ साढ़े को एक नौजवान बेटा भी आया तो बेटिया भी आने थोड़े जोड़े जोड़े बच्चे अपना अनुभव दसना चाहते हैं ना वो दस सकते हैं ठीक है तुम इस बच्चे तो पिछले पास रहो भावें ठीक है। हाँ बेटे थोड़ा नाम? सिमरनजीत कौर। सिमरनजीत कौर कि क्लास में पढ़ते हो? 11वीं। तो बेटे कदों सहज पाठ शुरू किया? सहज पाठ मैं 6वीं तो अपने तौर पर मतलब किया ही उस तो पहला जिता भी भैन भरावां दे नाल जां सुनिया ही जां उन्हां दे लागे बह के करदे सी। ते की महसूस करदे हो बाणी पढ़ के की बदलाव आए तुहाडे अंदर क्योंकि अजकल दे भज दौड़ दी जिंदगी दे विच ना स्ट्रैस है और मैंने जो बच्चे दसते हैं भी जो असं पाठ किया साड़ियाँ घर दियाँ टेंशन तो दूर होनी होनी साड़ी तो होनी होनी घर दियाँ टेंशन दूर हो गई। सब तो पहला तो मैं जो भी पाठ करती हाँ तो मेरे माँ प्यो न मेरे ते बड़ा गर्व हों महसूस कि अं जी लाइन तो अपने बच्चों तोरिया वा तो तुरे आ उस लाइन तो उस तो भी इंपोर्टेंट गल है कि मेरा जो पहरावा आ तो मेरी पहचान ही जी बाणी आ दस्तार मेरी पहचान वा तो जे मैं करती हाँ तो मैं अपने आप से माण हों कि हाँ मैनू मेरे माँ प्यो ने जी लाइन पर तोरिया आ मैं भी तुरी हाँ तो उन्होंने भी खुशी होंगी कि साढ़े बच्चे तुरे ते बाकी सहज पाठ करदे आ जां कोई तरह की भी बाणी पढ़दे आ साडा जीवन जिहड़ा ओह किते तों किते पहुंच जांदा है जिथे मैं अज हाँ जां मेरा परिवार आ इन्ने जोगे असीं शायद है नहीं सी सिर्फ एक गुरबाणी ने ते गुरु दी लेव ने ही सानूं इत्थों तक पहुंचाया आ। इह चीज़ मेरे तो पहला मेरे माँ प्यो नूं पता आ मेरे माता पिता तो मैं ज़्यादातर सिक्ख्या लई आ ते मेरे पिता जी मतलब मेरे भरा ही गए दो उन्हां दी मतलब डैथ हो गई ही ते मेरे पिता जी ही कि किसी भी होर गुरु नहीं मानते पीरां स्पैशली ठीक है उन्होंने सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब अगे ही सिर चुकाया सीगा ते मतलब मेरा ब्रदर ही ना जदों वह हॉस्पिटल ही ना ते मेरी दादी कहिंदे कि तू मतलब नहीं पीरां नूं मानदा तेरे गुरु तेरे को पुत्र खोलन लगा हाले भी तू जा ते उत्थे जा के भी मूँह सिर रगड़ माफ़ी मंग खरिया तेरा पुत्र बच जाए तो मेरे पिता जी ने उदों इक्को गल कही सीगी कि माता जी मेरा पुत्र मैनू छड़ दे पर मैं अपने प्यो दे जिहड़ा लड़ फड़िया वह नहीं बोले सो निहाल इहनू कहिंदे ने सिखी सिदक निभाउणा अज भी उस जिहड़े अरदास विच नाम आउंदे ने हैगे ने मैं उन्नी काबिल नहीं हैगी शायद जिन्नी मेरा पहरावा मैनू दसदा आ पर मेरे माता पिता की सिक्ख्या ते मैनू बहुत माण आ कि ओ हाडे बारे मेरे भरा बारे ते मेरे मतलब दो भरा इदा हो गए सीगे ते तीसरी मैं सीगी कोई ऑप्शन नहीं हैगी
ਤੇ ਚੌਥਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨਾ ਉਸੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਆਪਰੇਟ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਧ ਕਵਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਈਦਾ ਦੱਸੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜੇ ਬੋਲੋ ਸਿਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਨਾ ਜਾਏ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਨਾ ਜਾਏ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਬੇਟੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕੋ ਅੱਗੇ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਕਹੇਗਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਮਾਣ ਕਰੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਣੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੂਲਤੇ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਣ ਅਨੇਕ ਗਏ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਰ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਆ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੁਣੇ ਡੈਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੈਰੀ ਹੋ 18 ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਾਹਿਲਦੀਪ ਹੁਸਨਪ੍ਰੀਤ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਹਿਲਦੀਪ ਕੌਰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵਾ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 1.70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਈਆਂ ਡੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਅੱਜ ਮੈਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਡੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ 5S ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜਲਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ AVM ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਸੀਗੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਥਿਆ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਫਿਰ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਪ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਬੜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸਾਂ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਿਰਲੇ ਵੇਲੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਦਲ ਗਏ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਮੰਮਾ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਚੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਉਹ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਅਨੁਭਵ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
मतलब एक अलग तरह का इदा लगता है जिवें सिर्फ सहज पाठ करते हैं तो असी ते गुरु सिर्फ साढ़े दोवां विचकार ही गलबात एक हुंदी पई है, तीसरा किसी नूं असी विच इनवॉल्व नहीं करते, सिर्फ आपां दोवें। तो मैं करती भी उदों ही है जो कि मतलब पूरा असी आनंद दे नाल करते हैं, किसी नूं कहने की लोड़ नहीं पैंदी कि कर लो टाइम हो गया है, अपने वालों ही अंदरों आवाज़ हुंदी है कि हुण पाठ करना है। करते हैं एक जिहड़ी खुशी हुंदी है ना कि हाँ हुण पाठ करना है जाके, तो दिन का सब तो बेस्ट पार्ट मैनूं लगदा है। बोलो गल्लां क्योंकि करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, हां ये बड़ी जरूरी है। आयो सुन पढ़न को बाणी, नाम विसार लगे बिरता जन्म प्राणी, ये बिना ही कार्य करने तुसीं वड्डियां वड्डियां पोस्टां ते पहुंचना तां जो समाज बदल सके, समाज गल्लां नाल नहीं बदलना, काम करके बदलना। हूँ तुम 5-7 साल 10 साल सहज पढ़ करके जो किसी पोस्ट पर पहुंचोगे, हूँ तुम प्रिंसीपल बन गए, फिर तुम चाहोगे कि नहीं चाहोगे भी मेरा सारा स्कूल जो सहज पाठ से लड़ लगे और बाणी पढ़ के समाज में विचरे, चाहते हो ना? ये बेटे गुरु नानक साहब की बख्शिश है, गुरु नानक साहब अज भी गल्ला करते हैं। ठीक है, शाबाश बेटे। नौजवान पीढ़ी को तुम की संदेश देना चाहते हो? यही कि गुरु के नाल जुड़ो, किरत करो, नाम जपो, तो वंड छको, तो अपने आप को चंगे लोगों के नाल रखो भी, ताकि वह भी तुहानू चंगी मत देन, सही प्यारे मिलो जिन्हें मिलिया नाम तेरा चेता वे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर। और कौन तुहाडे विचों अपना अनुभव दसना चाहुंदा सहज पाठ दा, हैगा कोई तुसीं दसोगे? हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। की नाम पुत्र तुहाडा? मेरा नाम सुखजीत कौर है, मैं AVM स्कूल दी विद्यार्थन हाँ, ते ए मेरा दूसरा सहज पाठ है, ते मेरे नाल मेरी भैन भी सहज पाठ करदी है, ते असी दोनों रल के सहज पाठ करदी हां, ते साडे मन नूं इन्नी खुशी मिलदी है सहज पाठ करके, तो बहुत वधिया लगता है, परिवार को भी बहुत खुशी होंदी है। मेरे पापा भी पहला सहज पाठ करते रहे, हुण भी करते आ, वह पहला तो उन्होंने सानू भी कहा कि सहज पाठ करो, तो असं शुरू तो ही सहज पाठ उन्होंने नाल करते आ रहे हैं। पहला चलो सानू बाणी नहीं सी पढ़नी आती, पर हौली हौली असी हौली हौली आ गई, नहीं तो बजुर्ग हो जाना चिट्टी दाड़ी हो जाने, डरते रहना सारी जिंदगी। ठीक है ना, शुद्ध बाणी पढ़नी आ गई, हौली हौली आप शुद्ध, दुनिया तो कोई भी नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो तुरंत प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। सो ये ने जी AVM सीनियर सैकेंडरी स्कूल पब्लिक स्कूल है कादियाँ, उतों के विद्यार्थी ने, तो साढ़े को नौजवान बेटा भी आया। हाँ जी पुत्र जी, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की। नाम थोड़ा? दिलप्रीत सिंह। केड़ी क्लास में पढ़ते हो? 10वीं। तो किन्ने के नौजवान सहज पढ़ करते हैं थोड़े स्कूल में, मुंडे करते हैं? हाँ जी। किन्ने का अंदाजा? 10 कलाइए। तो थोड़ा सहज पढ़ संपूर्ण हो गया? हाँ जी। की महसूस करते हो सहज पढ़ करके? वधिया लगता महसूस होगा। शाबाश। सो बहुत बहुत हाँ, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। मेरा नाम पायलप्रीत कौर है, मैं AVM स्कूल की विद्यार्थन हाँ। मैं सहज पाठ करके बहुत वधिया लगता है, क्योंकि बचपन में मेरे माता पिता की डैथ हो गई, वाहेगुरू तो सानू साडी नानी अपने कोल लै गए, फिर नानी जी ने सानू दादा दादी नूं देता, दादी जी ने सानू भूआ नूं देता, भूआ जी की जो बेटी ही उन्होंने मैं सहज पाठ नाल जोड़िया, वाहेगुरू। शाबाश। मम्मी पापा यही बन गए है ना? हाँ जी। की महसूस करते हो? महसूस बहुत वधिया हुंदा है, बाबा जी नाल गल करदी हां, मैं पाठ करके मैं अपने उन्हां नूं दुख दस दिंदी हां कि बाबा जी अज मेरे नाल गल है, तो मेरे ते अपना मेहर भरिया ते रखो। ते सो बेटे कोशिश करियो कि सहज पाठ नूं समां जरूर दिया करो, क्योंकि ये जरूरी है, जब तक आत्मा नूं समां नहीं ना मिलेगा असीं कुछ भी नहीं कर सकते। जे साडी आत्मा स्ट्रोंग होएगी असीं वड्डे तों वड्डा फैसला लै सकदे, ओह वी सही, फिर गलत फैसले नहीं लवेंगे कभी, गलत पासे नहीं नहीं, और दूजे भी गलत पासे जाने तो रोकने की साढ़े को अंदर समर्था होएगी। शाबाश पुत्र, बहुत बहुत बख्शिश। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, वाहेगुरु जी का खालसा जी की फतेह। श्री सहज